वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो आपने एक ऑप्शन देख ही लिया है, हम बात करेंगे फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर द मसल बिल्डिंग। सो आज मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की मील सुबह से लेकर रात तक, वो क्या 3 सॉलिड मील्स और इन बिटवीन क्या 3 स्नैक मील्स जो मैं लेता हूँ फॉर द मसल बिल्डिंग, जिसमें मैं 200 ग्राम प्लस प्रोटीन एज ए वेजिटेरियन सोर्स इनटेक करता हूँ। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ, आफ्टर शोइंग यू कंप्लीट माय मसल बिल्डिंग मील प्लान, मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो एक चीज़ मसल बिल्डिंग में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम 6 बार खा रहे हैं 3 सॉलिड मील और इन बिटवीन 3 स्मॉल मील्स जिसे हम स्नैक बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये मसल बिल्डिंग के लिए डाइट प्लान है। तो हम एनाबॉलिक स्टेज में रहते हैं, अपनी बॉडी को एनाबॉलिक स्टेज में रखते हैं इंस्टेड ऑफ कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में हम मसल बिल्डिंग करते हैं और कैटाबॉलिक में हम फैट लूज करते हैं। सो ये एनाबॉलिक स्टेट रहेगी हमारे सुबह से लेके रात तक जो हम खा रहे हैं। तो चलिए मील 1 से शुरू करते हैं। मेरा जो सुबह का रूटीन है, मैं उठ जाता हूँ सुबह 7:30-8 बजे। सुबह उठने के बाद सबसे पहले ब्रश करके, फ्रेश होकर, अपना शॉवर लेकर सबसे पहली चीज़ जो मैं सुबह सुबह करता हूँ वो रहती है कि मैं 1 से 2 गिलास पानी पीता हूँ कॉपर तांबे की बोतल में से। उसके बाद मैं अपनी ब्रेकफास्ट मील तैयार करता हूँ अराउंड 8:30-8:45 के बीच, जिसमें रहता है 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन म्यूसली, 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, जिसे मैं ब्लेंड करके 100 ग्राम ऑफ म्यूसली के बीच में मिक्स कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं सुबह सुबह कुकिंग करने का मन नहीं रहता, ये मेरा क्विक ब्रेकफास्ट मील है। इसमें मुझे मिल जाता है अराउंड 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। पूरे मैक्रोज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं। सो आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं सबसे पहले अपना काम करता हूँ, अपने क्लाइंट्स की ईमेल का रिप्लाई करता हूँ, उसके बाद कुछ कंटेंट क्रिएट करता हूँ। 1.5 घंटा काम करने के बाद आधे से पौना घंटा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके अराउंड 11 बजे फिर 2.5 घंटे का गैप लेके ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक लेता हूँ, जिसमें 30 ग्राम्स ऑफ पीनट्स, 1 ऑरेंज, 1 बनाना रहता है। इसके भी मैक्रोज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सो 11 बजे स्नैक लेने के बाद 45 मिनट्स का मैं गैप रख के होमवर्क कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन ना हो तो मैं 11:30 घर से निकलता हूँ जिम के लिए, 10 से 15 मिनट में जिम पहुँच जाता हूँ। सो 45 मिनट्स का मेरा गैप रहता ही रहता है स्नैक और जिम के वर्कआउट में। सो अगर जिम में हूँ तो 2 घंटे का वर्कआउट रहता है, आजकल घर पर वर्कआउट कर रहा हूँ तो 1.5 घंटे का वर्कआउट होता है। तो 1:15 बजे मेरा वर्कआउट ख़त्म करने के बाद लंच की प्रेपरेशन है, मैं आके शुरू करता हूँ अराउंड 2 बजे, और 20 मिनट मुझे लगते हैं लंच प्रिपेयर करने में, जिसमें मैं 50 ग्राम्स ऑफ सोया ग्रैन्यूल्स लेता हूँ और उसके तड़का लगाने के लिए एक ऑनियन, एक टमाटो, एक हरी मिर्च। आप देख सकते हैं मैं ज़्यादा बॉयल्ड फूड नहीं खाता, मसल बिल्डिंग है, मैं ऑयल भी यूज़ करता हूँ, देसी घी भी यूज़ करूँगा। सो एक पैन लेकर उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के, हल्दी, जीरा और नमक, लाल मिर्च डाल के, मैं अपना प्याज टमाटर डाल के अपनी मील प्रेप करूँगा। जितने में मेरे सोया ग्रैन्यूल्स बॉयल हुए थे, अब इनको सोक करने के लिए इनका पानी निकाल के रख दूंगा, इतने में तड़का भी रेडी हो जाएगा। फिर इन सोया ग्रैन्यूल्स को उस तड़के में मिक्स करके मैं अपना लंच रेडी कर लूँगा। 10 मिनट इसे ढक कर रखें। उसके बाद 2 स्लाइस अमूल चीज़ मैंने ऐड किए हैं, तो ये मेरी मील रेडी हो चुकी है। 2 चपाती, सैलड, 50 ग्राम सोया ग्रैन्यूल, 2 अमूल चीज़ स्लाइस, 1 कर्ड और 1 याकूट फॉर डाइजेशन में ऐड करता हूँ। इसके मैक्रोज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आफ्टर लंच जो मेरी डेली की रूटीन है, जो मेरे स्ट्रे डॉग्स, मेरे बच्चे हैं, इन्हें मैं फीड करता हूँ डाइल्यूटेड मिल्क। तो आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे रोज़ देखते होंगे स्टोरी, तो स्ट्रे डॉग्स के बारे में डोंट शॉप अडॉप्ट वन। सो अगर आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ नहीं जुड़े तो फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, shredded.singh, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर का नाम है। तो इन्हें फीड करने के बाद कुछ देर मैं रेस्ट करता हूँ 1 घंटा, और रेस्ट करने के बाद अराउंड 5 बजे मैं अपना इवनिंग स्नैक मील लेता हूँ, जिसमें रहता है 2 राइस केक और 30 ग्राम पीनट बटर। आप देख रहे होंगे हर चीज़ में आपको दिखा रहा हूँ फूड स्केल पर लेकर, लेकिन डेली की रूटीन में मुझे ये चीज़ मालूम होती है एस्टिमेटली कितना खाना है, क्योंकि मैं रूटीन में इसे इनटेक करता हूँ। लेकिन आपको मैं प्रॉपर फूड स्केल यूज़ करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ मैं उसी क्वांटिटी में खा रहा हूँ, यही मेरे फुल डे ईटिंग के मैक्रोज और कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स हैं।
तो अपना इवनिंग स्नैक लेने के बाद मैं कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ और दोबारा अपने लैपटॉप पर अपना कंटेंट क्रिएट करता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि क्या आजकल चल रहा है यूट्यूब पर, कौन से टॉपिक जो यूट्यूबर्स नहीं कवर किए मैं आपके लिए वो कंटेंट क्रिएट करके वो टॉपिक्स कवर करूँ, और अराउंड 8 बजे फिर मैं दोबारा अपने डिनर की मील प्रेप करता हूँ। इसमें भी 15 से 20 मिनट लगते हैं मुझे कुकिंग के लिए, जिसमें रहते हैं मेरे 50 ग्राम्स ऑफ अनकुक्ड वाइट राइस। आप चाहें ब्राउन राइस भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मैं यूज़ करूँगा 500 ग्राम्स ऑफ बॉयल्ड चिकपीस। सो बॉयल करने के बाद चिकपीस मैं वेट कर रहा हूँ 500 ग्राम्स, और इसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ 200 ग्राम्स होममेड पनीर। तो इसके भी मैक्रोज और मील प्रेप आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राइस को बनाने के लिए जस्ट रिंस इट ऑफ इन द वाटर, देन पानी को बॉयल कर लीजिए, उसमें राइस रख दीजिए। जब वो बॉयल हो जाएंगे पानी को स्ट्रेनर से बाहर निकाल दीजिए। सो आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून देसी घी डाल के इसके बीच में हल्दी, जीरा, मिर्च, लाल मिर्च और नमक डाल के अपना चिकपीज और पनीर ऐड करके ये मैं मील प्रेप कर रहा हूँ। लास्ट में इसके बीच में ही मैं स्टीम्ड राइस जो मैंने प्रेप किए थे इसके बीच में मिक्स करके ग्रीन सैलड की प्लेट के साथ मैं अपना मील ले रहा हूँ। सो 8 बजे मैंने कुकिंग शुरू किया था, तो अराउंड 8:45-9 बजे तक कुकिंग और खाना वगैरह मेरा हो जाता है। तो 10-15 मिनट और पेरेंट्स के साथ स्पेंड करके दोबारा मैं अपने लैपटॉप पर अपना काम शुरू करता हूँ, ईमेल चेक करता हूँ। अगर आपको मेरा फुल टाइम प्रोफेशन नहीं पता तो यूट्यूबिंग के साथ मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है ऑनलाइन कोचिंग। आई एम ए ISSA सर्टिफाइड स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट। सो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं shredded.singh@gmail.com फॉर कस्टमाइज न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग प्लान। तो रात को सोने से पहले अराउंड 11 बजे मैं 1 कैसीन प्रोटीन स्कूप लेता हूँ विद 1 ग्लास ऑफ लो फैट मिल्क। तो इसमें अराउंड मुझे मिल जाता है 35 ग्राम प्रोटीन। तो कैसीन को रात को लेने का फ़ायदा यह है कि ड्यूरिंग द 7 to 8 आवर्स स्लीप मेरी बॉडी को स्लो रिलीज करता रहता है ये प्रोटीन। इसके अलावा गाइस मैंने आपको शुरू में बोला था कि कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा, वो टिप्स ये हैं कि मैं दिन में अराउंड 4 to 5 liters वाटर इनटेक करता हूँ। मैं बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीता और मैं 1 लीटर टैप वाटर ज़रूर यूज़ करता हूँ, और 4 लीटर जो मेरा रहता है वो RO वाटर होता है। आप अपनी डाइट में से सारा जो फिल्टर्ड वाटर मत रखें, आपको अनफिल्टर्ड वाटर भी रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में बैक्टीरियाज, जो बैड बैक्टीरियाज और गुड बैक्टीरियाज है उसका बैलेंस करके रखते हैं। तो बिल्कुल अगर आप RO वाटर पी रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ 1 लीटर कम से कम टैप वाटर ज़रूर ऐड करें। और इसके अलावा मैं 1 ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ बिफोर वर्कआउट, और मेरी 2 ग्रीन टी रहती है जो मैं लेता हूँ 1 आफ्टर लंच एंड 1 आफ्टर डिनर। इसके अलावा मेरा एक और हिडन सीक्रेट जो है वो ये है कि मैं सुबह आफ्टर टेकिंग द वाटर फ्रॉम द कॉपर बॉटल, मैं सबसे पहले कुछ भी ब्रेकफास्ट इनटेक करने से पहले मैं एक डिटॉक्स ड्रिंक लेता हूँ जो मेरी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। उसका वीडियो इस फुल डे ऑफ ईटिंग के बाद में लेकर आऊँगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाइए, ड्रॉप ए कमेंट कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने की ड्रिंक के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो ये था ऑल अबाउट फुल डे ईटिंग फॉर मसल बिल्डिंग। पूरे मैक्रोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।